पुरुषों में सेक्स की समस्या पाई जाती है, उसमें मुख्य समस्या प्रीमेच्योर इजेकुलेशन की होती है। और प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के पुरुष जब मेरे को कंसल्ट करते हैं, तब अक्सर उनका ये सवाल रहता है कि मैडम, मेरे को प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो क्यों रहा है? तो आज मैं आपको प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के कुछ साइंटिफिक कारण बताऊंगी। प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के कारण जानने के लिए पहले तो प्रीमेच्योर इजेकुलेशन कौन से प्रकार का है उसको जान लेना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकारों में कारण अलग अलग रहते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रकार का प्रीमेच्योर इजेकुलेशन, यानी कि जब से सेक्सुअल एक्ट करने की शुरुआत की है तब से आप प्रीमेच्योर इजेकुलेशन ऑब्जर्व कर रहे हो। एक्वायर प्रकार का प्रीमेच्योर इजेकुलेशन, यानी कि पहले तो अच्छा टाइमिंग था पर अब फटाफट से डिस्चार्ज हो रहा है कुछ महीनों से, कुछ सालों से, तो उसको एक्वायर प्रकार का प्रीमेच्योर इजेक्युलेशन बोलेंगे। अगर आपका प्रीमेच्योर इजेकुलेशन लाइफ लॉन्ग प्रकार का है, तो हो सकता है कि आपके जो सेरेटोनिन के रिसेप्टर है उसमें खामियां रही हो। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपका जो ग्लांस पीनस है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो, जिसके कारण जो इजेकुलेशन का रिफ्लेक्स होता है वो बहुत ही बढ़ा हुआ होता है। और एक रीजन रहता है कि जो पुडेंडल नर्व है जो सेक्स स्टिमुलस को पहुंचाती है, उसका ब्रेन में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहता हो। एक्वायर्ड प्रकार के प्रीमेच्योर इजेकुलेशन में पहला कारण रहेगा कि प्रोस्टेट के जो इन्फेक्शन हो या उसमें सूजन हो, तो प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो सकता है। दूसरा कारण कि जो हाइपर थायराइड के पेशेंट रहते हैं उनमें प्रीमेच्योर इजेकुलेशन ज्यादा पाया गया हो। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। आपके नर्व में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि नर्व में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, या फिर न्यूरोपैथीज कोई हो, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर हो, तो भी प्रीमेच्योर इजेकुलेशन पाया जाता है। जो पुरुषों में और सेक्सुअल बीमारियां रही हो, जैसे कि इरेक्शन के प्रॉब्लम, तो उनको जल्दी रहती है कि वो फटाफट से सेक्सुअल एक्ट को, इरेक्शन चला जाए उसके पहले खत्म कर दे, तो उनमें भी प्रीमेच्योर इजेकुलेशन डेवलप होता है। जिन पुरुषों में डिजायर की कमी रहती है, यानी कि हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, उनको फटाफट से सेक्सुअल एक्ट खत्म करना को जल्दी रहती है और उनमें भी प्रीमेच्योर इजेकुलेशन डेवलप होता है। अगर आप सेक्सुअल एक्ट ऐसे माहौल में कर रहे हो कि जहां आपको पकड़े जाने का डर है, तो भी आप सेक्सुअल एक्ट फटाफट से खत्म करोगे और धीरे धीरे आप में प्रीमेच्योर इजेकुलेशन डेवलप होगा। जो बच्चे ऐसे फैमिली एनवायरमेंट में मास्टरबेट करते हैं जहां उनको डर है कि वो पकड़े जाएंगे, तो वो उस चक्कर में ही फटाफट मास्टरबेशन को खत्म कर देते हैं और धीरे धीरे उनमें हैबिट बन जाती है फटाफट से इजेकुलेट कर देने की, और फ्यूचर में उनको प्रीमेच्योर इजेकुलेशन डेवलप हो सकता है। अगर आपकी फीमेल को कोई सेक्सुअल दिक्कत है, जैसे कि उनके डिजायर कम होना, उनमें ऑर्गेज्म की कमी होना, उनमें हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर हो, उनको वजाइनिस्मस हो, उनको पेन के प्रॉब्लम हो, तो भी पुरुष उनको सपोर्ट करने के चक्कर में फटाफट से इजेकुलेट कर देते हैं और उनमें भी प्रीमेच्योर इजेकुलेशन पाया जाता है। अगर आपको एंजाइटी के प्रॉब्लम है, तो आपका जो सिंफेटेटिक टोन है वो बढ़ा हुआ होता है और फटाफट से आप इजेकुलेशन के थ्रेशोल्ड को टच कर जाते हो और फटाफट से डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आपकी सेक्सुअल एक्ट करने की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले कपल, या फिर और कोई रीजन रहे हो पर आप सेक्सुअल एक्ट बहुत कम कर रहे हो, तो आपका एक्साइटेशन बढ़ा हुआ होगा और जैसे ही आप सेक्सुअल एक्ट करने जाओगे तो आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये प्रीमेच्योर इजेकुलेशन नहीं है पर उसके जैसा लगता है, और अगर इसको ठीक करना है तो आपको आपके सेक्सुअल एक्ट की फ्रिक्वेंसी को भी ठीक करना पड़ेगा।